हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम माय चैनल। आज हम प्रेमचंद जी द्वारा लिखित कहानी बड़े घर की बेटी, ये कहानी सुनेंगे और जानेंगे समझेंगे कि ये कहानी क्या है, क्या इसका उद्देश्य है। और इसी तरह की कहानियाँ हमारे चैनल पर आपको मिल जाएंगी। ये कहानी हमने ICSE बोर्ड क्लास 9 की हिंदी साहित्य सागर से ली है और इससे रिलेटेड बहुत सारी कहानियाँ हिंदी साहित्य सागर से, जैसे बात अठन्नी की, अपना अपना भाग्य, नेताजी का चश्मा, काकी, इस तरह की जो कहानियाँ हैं हमारे चैनल पर हैं। आप हमारे चैनल पर विजिट कीजिए और प्लेलिस्ट में जाकर सभी कहानियों को सुन सकते हैं, समझ सकते हैं। और साथ ही साथ मैंने जिन राइटरों ने ये कहानियाँ लिखी हैं उनका जीवन परिचय भी हमने साथ ही साथ बताया है। तो आज हम बिना समय को गवाएं अब हम आज की कहानी जो है बड़े घर की बेटी, इसका आनंद लेते हैं, जानते हैं, समझते हैं, जो कि प्रेमचंद जी द्वारा लिखी गई है। प्रेमचंद को आप सभी जानते होंगे, इनका पूरा नाम जो मुंशी प्रेमचंद था। तो ये हिंदी के उपन्यास सम्राट के नाम से विख्यात, उपन्यास सम्राट भी इनको कहा जाता है। हिंदी के इनको उपन्यास सम्राट के नाम से विख्यात, मतलब प्रसिद्ध हैं, जाना जाता है। मुंशी प्रेमचंद का जो जन्म है 31 जुलाई सन 1880 को हुआ था। कहाँ हुआ था? वाराणसी के पास लमही नामक गांव में हुआ था। इनका वास्तविक नाम धनपत राय था। इनका जो असली नाम था वो धनपत राय था। इनका बचपन आर्थिक संकटों में बीता था, यानी कि बहुत ही मुश्किलों से इनका जीवन बीता था। आर्थिक संकटों का इनको सामना करना पड़ा था। पिता की मृत्यु के बाद इन्हें प्राइमरी विद्यालय में शिक्षक की नौकरी करनी पड़ी। जब इनकी पिताजी की मृत्यु हो गई तो प्राइमरी विद्यालय में इन्होंने शिक्षक की नौकरी करी। नौकरी करते करते इन्होंने BA की परीक्षा उत्तीर्ण की तथा अध्यापक से सब डिप्टी इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल्स के पद पर भी पहुँचे। बाद में इन्होंने नौकरी छोड़ दी और स्वतंत्र रूप से साहित्य सृजन में जुट गए। प्रेमचंद ने हिंदी को अनेक उत्कृष्ट उपन्यास तथा कहानियाँ दी हैं। इन्होंने लगभग 300 कहानियाँ लिखी। कितनी कहानियाँ लिखी? 300 कहानियाँ लिखी, जो मानसरोवर नाम से 8 भागों में संग्रहित हैं। इन्होंने कई आदर्शवादी और यथार्थवादी उपन्यास लिखे। इनके बहुत सारे आप उपन्यास जानते होंगे, जैसे गोदान है, गबन है, और भी इनके बहुत प्रसिद्ध उपन्यास आपने नाम सुना होगा, नहीं सुना होगा तो सुन लीजिए अभी। और 8 अक्टूबर सन 1936 को इनका देहांत हो गया, यानी कि इनका निधन हो गया, ये ख़त्म हो गए। और कब इनका जन्म हुआ था? 31 जुलाई सन 1880 में इनका जन्म हुआ था वाराणसी में, और 1936 को ये इनका देहांत हो गया। तो अब हम जानते हैं इनके द्वारा लिखित कहानी बड़े घर की बेटी। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। चलिए तो हम शुरू करते हैं बड़े घर की बेटी कहानी। तो बेनी माधव सिंह गौरीपुर गांव के जमींदार और नंबरदार थे। उसके पितामह मीन्स होता है दादाजी, किसी समय बड़े धन धान से संपन्न थे, मतलब बहुत बड़े आदमी थे और किसी समय वो बहुत ही अमीर हुआ करते थे। गांव का पक्का तालाब और मंदिर, जिसकी अब मरम्मत भी मुश्किल थी। गांव का जो पक्का तालाब था, पहले जहां पे गांव में तालाब और मंदिर होता था तो उस गांव को बहुत ही संपन्न माना जाता था। तो गांव का पक्का तालाब और मंदिर, जिसकी अब मरम्मत भी मुश्किल थी, मतलब जो तालाब और मंदिर थे अब उसकी जो मरम्मत थी, मतलब टूट फूट जाता है जब बहुत पुराना हो जाता है, तो अब लोग उसकी मरम्मत भी बड़ी मुश्किल से कराते ही नहीं थे। उन्हीं के कीर्ति स्तंभ थे। कीर्ति स्तंभ मतलब उन्हीं के द्वारा बनाए हुए थे। बेनी माधव सिंह अपनी आधी से अधिक संपत्ति वकीलों को भेंट कर चुके थे, यानी कि यहाँ पे हो सकता है कि उनके बहुत सारे मुकदमे चलते थे, इसलिए वो बेनी माधव सिंह अपनी आधी से अधिक संपत्ति वकीलों को भेंट कर चुके थे। उनकी वर्तमान आय 1000 वार्षिक से अधिक ना थी। ये बेटा ध्यान रखना, ये बहुत पुराने टाइम की बात है, तो उस समय 1000 रुपया बहुत ज़्यादा होता था। तो उनकी जो वर्तमान आय थी, मतलब जो प्रेजेंट इनकम थी, वो 1000 वार्षिक से अधिक नहीं थी, मतलब वर्ष भर में वो 1000 रुपया कमाते थे।
ठाकुर साहब के दो बेटे थे, उनके दो बेटे थे। बड़े का नाम श्रीकंठ सिंह था। उसने बहुत दिनों के परिश्रम और उद्योग के बाद में बीए की डिग्री प्राप्त की थी, मतलब बहुत ही कठिन मेहनत के बाद में उन्होंने बीए की डिग्री प्राप्त की थी। और तब मतलब पढ़ाई भी, बीए पढ़ना भी बहुत बड़ी बात होता था, तो अगर कोई इंटर कर लिया, बीए कर लिया, तो उसको बहुत ही पढ़ा लिखा माना जाता था। अब एक दफ्तर में नौकर था, एक दफ्तर में वो नौकर था, छोटा लड़का जो लाल बिहारी। तो ये हम बात करें, देखिए यहाँ पे बेनी माधव सिंह हैं और उनके दो पुत्र हैं, और पहले पुत्र का नाम इन्होंने बताया श्रीकंठ सिंह, और दूसरा जो छोटा लड़का है उसका नाम लाल बिहारी सिंह है। तो कहानी को जानने से पहले हमें सारे करेक्टर क्लियर होना चाहिए कि किसका क्या नाम है। तो बेनी माधव के दो बेटे थे, श्रीकंठ सिंह और लाल बिहारी सिंह, और जो बेनी माधव जी थे उनकी आधी से अधिक संपत्ति वकीलों को भेंट कर चुके थे, और उनकी वर्तमान आय 1000 वार्षिक से अधिक नहीं थी। और जो उनके बेनी माधव सिंह जो क्या थे, गाँव के जमींदार और नंबरदार थे। और जो उनके पितामह थे, मतलब उनके जो पिताजी थे, दादाजी थे, वो क्या थे, किसी बड़े धन धान से संपन्न थे। अब ये हो गया छोटा लड़के की, बड़ा लड़का तो उनका जो बीए पास था और दफ्तर में नौकरी कर रहा था, और जो छोटा लड़का था वह दोहरे बदन का सजीला जवान था, भरा हुआ मुखड़ा, चौड़ी छाती, भैंस। अब ये तो इनके बदन की बात हो गई, इनके मतलब शारीरिक बनावट की। तो छोटा लड़का कैसा था, सजीला जवान था और भरा हुआ मुखड़ा था, चौड़ी छाती थी। अब वो देखो क्या क्या खाता पीता था, भैंस का 2 शेर ताज़ा दूध वह सवेरे उठकर पी जाता था, ठीक है, 2 शेर ताज़ा दूध वह सवेरे उठकर पी जाता था, वो भी भैंस का। तो और श्रीकंठ सिंह की दशा बिल्कुल विपरीत थी, जो उनके भाई थे बड़े वाले उनकी बिल्कुल विपरीत, मतलब उनका अपोजिट था। इन नेत्रप्रिय गुणों को बीए इन्हीं दो अक्षरों पर न्यौछावर कर दिया था। जो ये जो श्रीकंठ थे उन्होंने अपना जो पूरा जो समय था बीए इन्हीं दो अक्षरों पर न्यौछावर, मतलब सारा समय इन्होंने बीए की परीक्षा पास करने में लगा दिया। इन दो अक्षरों ने उनके शरीर को निर्बल और चेहरे को कांतिहीन बना दिया था। अब जो छोटा लड़का था, क्या नाम बताया था मैंने, लाल बिहारी सिंह, वो दोहरे बदन का मतलब, दोहरे बदन का मतलब होता है कि लंबा चौड़ा और स्वस्थ मोटा इस तरह से, और मुखड़ा भी उसका भरा हुआ था, चौड़ी छाती थी। जबकि जो श्रीकंठ थे, जो बड़े भाई थे, वो बहुत ही निर्बल, बहुत ही कांतिहीन उनका चेहरा था, और वो मतलब सारा दिन जो है पढ़ाई में अपनी लगा देते थे। तो यही यहाँ पे कहा गया है कि इन नेत्रप्रिय गुणों को बीए इन्हीं दो अक्षरों पर उन्होंने नुछावर कर दिया था, मतलब सारा दिन वो पढ़ाई पर उन्होंने लगा दिया था। अब श्रीकंठ इस अंग्रेजी डिग्री के अधिपति होने पर भी पाश्चात्य सामाजिक प्रथाओं के विशेष प्रेमी ना थे। अब जो श्रीकंठ जी थे, जो बड़े भाई साहब थे, तो उन्होंने अंग्रेजी डिग्री मतलब प्राप्त की थी, लेकिन तब भी जो पाश्चात्य सामाजिक प्रथाएं के विशेष प्रेमी नहीं थे। पाश्चात्य सामाजिक प्रथाएं मतलब जो अंग्रेजी प्रथाएं हैं उसके विशेष प्रेमी ना थे, बल्कि वे बहुधा बड़े जोर से उसकी निंदा और तिरस्कार किया करते थे। अंग्रेजी की डिग्री उन्होंने प्राप्त की थी, लेकिन वो इस सभ्यता का विरोध करते थे और उसकी निंदा मतलब बुराई भी करते थे, और तिरस्कार मतलब अपमान करते थे। दशहरे के दिनों में वो बड़े उत्साह से रामलीला में सम्मिलित होते और स्वयं किसी न किसी पात्र का अभिनय करते थे। अब सभी के गांव में दशहरा होता है, रामलीला मनाई जाती है, तो उसमें वो बढ़ चढ़ के भाग लेते थे, और उसमें किसी न किसी पात्र का मतलब कोई न कोई भी पात्र उनको मिलता था, उसका वो अभिनय करते थे। प्राचीन सभ्यता का गुणगान उनकी प्रकृति का प्रधान अंग था, मतलब वो पाश्चात्य सभ्यता को नहीं मानते थे, उसकी निंदा करते थे, लेकिन जो प्राचीन सभ्यता का वो हमेशा गुणगान किया करते थे, मतलब तारीफ किया करते थे। वो उनके प्रकृति का मतलब प्रकृति का नेचर मतलब उनका जो नेचर था उसका ये प्रधान अंग था। सम्मिलित कुटुंब के तो वे एकमात्र उपासक थे। उनको मतलब कैसा परिवार पसंद था, सम्मिलित कुटुंब मतलब संयुक्त परिवार के वो एकमात्र उपासक थे, मतलब सभी लोग इस सम्मिलित कुटुंब का विरोध करते थे। यहाँ पे एकमात्र उपासक इसलिए कहा गया है कि वही एकमात्र ऐसे थे जो सम्मिलित कुटुंब यानी संयुक्त परिवार को अच्छा मानते थे। आजकल इस
और कहते थे आजकल स्त्रियों को कुटुंब में मिलजुल कर रहने की जो आरुचि होती है उसे वह जाति और देश दोनों के लिए हानिकारक समझते थे। वो संयुक्त परिवार के का मतलब सहमत थे संयुक्त परिवार से, और कहते थे जो आजकल की स्त्रियां हैं, कुटुंब मतलब यहाँ होता है परिवार में मिलजुल कर रहने की जो आरुचि, मतलब वो परिवार में मिलजुल कर नहीं रहना चाहती हैं और उसे वह जाति व देश दोनों के लिए हानिकारक समझते थे। यही कारण था कि गांव की ललनाएं मतलब जो लड़कियां थीं उनकी निंदक थी, निंदक मतलब उनकी बुराई करती थी, उनकी आलोचना करती थी। कोई कोई तो उन्हें अपना शत्रु समझने में भी संकोच ना करती थी, और कोई कोई लड़कियां जो स्त्रियां होती थी उनको अपना शत्रु समझती थी। स्वयं उनकी पत्नी को इस विषय में उनसे विरोध था, और उनकी पत्नी भी स्वयं मतलब उनकी पत्नी भी उनका इस बात में विरोध करती थी। अब यहाँ पे ये बात आप क्लियर कर लीजिए, क्योंकि वो ज्वाइंट फैमिली के समर्थक थे, ज्वाइंट फैमिली को पसंद करते थे संयुक्त परिवार को, और आजकल की जो स्त्रियाँ हैं वो संयुक्त परिवार में रहना पसंद नहीं करती हैं, उनमें उनको इंटरेस्ट नहीं, इसलिए वो लोग जो स्त्रियाँ थी जो लड़कियाँ थी वो उनकी निंदा करती थी, वो उनकी निंदक थी, और यहाँ तक कि उनकी स्वयं की जो पत्नी थी वो भी इस बात का विरोध करती थी। या इसलिए नहीं कि उसे अपने सास ससुर देवर या जेठ आदि से घृणा मिस नफरत थी, बल्कि उसका विचार था कि यदि बहुत कुछ सहने पर भी परिवार के साथ निर्वाह ना हो सके तो आए दिन की कलह को नष्ट करने की अपेक्षा अच्छा है कि अपनी खिचड़ी अलग पकाई जाए। अब उसका ये मानना था, उसकी पत्नी इसलिए विरोध नहीं करती थी कि वो अपने मतलब जो सास ससुर और जेठ थे उससे घृणा करती थी, बल्कि उसका ये मानना था कि अगर आपका परिवार में ठीक से निर्वाह नहीं हो रहा है, मतलब आप जो है ठीक से वहाँ रह नहीं पा रहे हैं, तो इस तरह से आपको सहकर मतलब आए दिन की लड़ाई झगड़ा करने के बजाय आपको और अपना जीवन नष्ट करने की अपेक्षा ये अच्छा होगा कि अपनी खिचड़ी अलग पकाई जाए। इसका मतलब है कि अलग हो जाना चाहिए। अगर आप किसी परिवार में हैं और ठीक से निर्वाह नहीं कर पा रहे हैं, निर्वाह मतलब होता है एडजस्टमेंट करना या वहाँ पे अपना गुजर बसर करना, तो अगर ठीक से नहीं कर पा रहे हैं तो अपने जीवन को नष्ट करने के अलावा, यानी कि बहुत लोग होते हैं परिवार से तंग आ जाते हैं, आत्महत्या कर लेते हैं या जल के मर जाते हैं, इस तरह की जो चीज़ें करते हैं, तो वो इस चीज़ को कहती है कि अगर परिवार में ठीक से निर्वाह नहीं हो रहा है तो अपने जीवन को नष्ट करने की अपेक्षा अच्छा है कि अपनी खिचड़ी अलग पकाई जाए। आनंदी एक बड़े उच्च कुल की लड़की थी, उसके बाप एक छोटी सी रियासत के तालुकेदार थे। अब यहाँ पे देखो बात शुरू होती है, जो बड़े घर की बेटी कहानी है तो यहीं से आपकी शुरू होती है। आनंदी एक बड़े उच्च कुल की लड़की थी, उसके बाप एक छोटी सी रियासत के तालुकेदार थे। तालुकेदार मतलब बड़े ज़मींदार। विशाल भवन, विशाल मतलब बड़ा भवन था, एक हाथी, तीन कुत्ते, झाड़ फानुस, आनरीरी मजिस्ट्री और रण, जो एक प्रतिष्ठित तालुकेदार के योग्य पदार्थ हैं। अब विशाल भवन मतलब था, और हाथी पहले के समय में हाथी वाथी रखना बहुत बड़ा माना जाता था, बड़े आदमी माने जाते थे। अब आजकल के ज़माने में जैसे बड़ी बड़ी गाड़ियाँ लोग रखते हैं, तो पहले जानवर रखते थे जैसे हाथी है ये सब है, तो उसको बड़ा आदमी कहा जाता था। योग प्रधार सभी यहाँ विद्यमान थे। नाम था भूप सिंह, उनके पिता का क्या नाम था, भूप सिंह। बड़े उदारचित मतलब बहुत ही दयालु मन, चित मतलब मन, और प्रतिभाशाली पुरुष थे, पर दुर्भाग्य से उनके लड़का एक भी नहीं था। बड़े आदमी थे लेकिन उनके कोई भी लड़का नहीं था। आनंदी जो थी चौथी लड़की थी, वह अपनी सब बहनों से अधिक रूपवती और गुणवती थी। इससे ठाकुर भूप सिंह उसे बहुत प्यार करते थे। सुंदर संतान को कदाचित उसके माता पिता भी अधिक चाहते हैं। अब जो ठाकुर भूप सिंह थे उसे बहुत प्यार करते थे, सुंदर संतान को, मतलब यहाँ कह रहे हैं कि अगर सुंदर संतान है तो उसको कदाचित उसके माता पिता भी अधिक चाहते हैं। ठाकुर साहब बड़े धर्म संकट में थे कि आनंदी का विवाह कहाँ करें, ना तो यही चाहते कि ऋण का बोझ बढ़े, और ना यही स्वीकार था कि उसे अपने को भाग्यहीन समझना पड़े। अब जो उनके पिता ठाकुर साहब भूप सिंह थे, वो सोच रहे थे कि आनंदी का विवाह
कहाँ करा जाए, मतलब दहेज के कारण जो ऋण हो जाता है उसका बोझ भी उनके ऊपर ना आए, और ना यही स्वीकार था कि उसे अपने भाग्यहीन को भाग्यहीन समझना पड़े। और ये भी चाहते थे कि उसकी लड़की ये ना सोचे कि मैं भाग्यहीन हूँ, मतलब मैं जो है दुर्भाग्यशाली हूँ, तो इस तरह भी ना हो और ना मेरे ऊपर ऋण का बोझ हो। ऋण मतलब कर्ज होता है। एक दिन श्रीकरण सिंह उनके पास किसी चंदे का रुपया मांगने आए। भूप सिंह उनके स्वभाव पर रीझ गए, रीझ गए मतलब उनको उनका नेचर पसंद आ गया, और धूमधाम से श्रीकंठ सिंह का विवाह आनंदी के साथ हो गया। अब श्रीकंठ जानिएगा यहाँ पे जो बेनी माधव सिंह है उनके बड़े पुत्र हैं, तो वो इनके वहाँ चंदा लेने आए थे ठाकुर साहब जी के वहाँ, तो उनको उनका नेचर बहुत अच्छा लगा, तो उन्होंने अपनी बेटी आनंदी का विवाह उनके साथ कर दिया। आनंदी अपने नए घर में आई तो यहाँ रंग ढंग कुछ और देखा। जिस टीम टाम की उसे बचपन से ही आदत पड़ी हुई थी वह यहाँ नाम मात्र को भी ना थी। अब वो जो है बड़े घर की लड़की थी, है ना, अब जब इस घर में नए घर में आई तो यहाँ रंग ढंग कुछ और था, सब बदला। टीम टाम की उसे बचपन, टीम टाम की मतलब जो ऐसो आराम थे उसकी, उसको बचपन से ही आदत पड़ी हुई थी, वह यहाँ नाम मात्र को भी ना थी, है ना, और जो यहाँ जो मतलब उसके ससुराल में वो चीज़ बिल्कुल भी नहीं थी। हाथी घोड़ों का कहना ही क्या था, उसके घर में हाथी घोड़े कोई सजी हुई सुंदर बहली तक ना थी, वहाँ कोई मतलब कोई बहली तक नहीं थी। रेशमी स्लीपर साथ लाई थी पर यहाँ बाग कहाँ जहाँ वह सैर करती। मकान में खिड़कियाँ तक ना थी, ना जमीन पर फर्श, ना दीवार पर तस्वीरें। अब वो अपने लिए चप्पल लेके आई थी रेशमी स्लीपर कि बाग वाग होगा वहाँ जाके सैर करेगी, लेकिन यहाँ पर सैर करने को कुछ था ही नहीं। मकान में खिड़कियाँ भी नहीं थी, न जमीन पर फर्श थी, न दीवार पर तस्वीरें थी, जो दीवार होती हैं उस पर तस्वीरें भी नहीं थी। वह एक सीधा साधा देहाती गृहस्थ का मकान था, किंतु आनंदी ने थोड़े ही दिनों में ही अपने आप को इन नई परिस्थितियों के ऐसा अनुकूल बना लिया। अनुकूल मतलब होता है उसी के हिसाब से ढल जाना, जैसे वातावरण या पर्यावरण परिवेश में रहेंगे उसी में ढल जाना, उसी के अनुकूल बना लिया, मानो विलास के सामान कभी देखे ही ना हो। ऐसा वो ढल गई कि मानो उसने विलास यानी कि जो आरामदायक चीज़ों के सामान थे उसने कभी देखे ही नहीं थे, ऐसा उस परिवार में वो ढल गई। एक दिन दोपहर के समय लाल बिहारी सिंह यानी कि उसका देवर दो चिड़िया लिए हुए आया और भावज मतलब भाभी से बोला जल्दी पका दो, मुझे भूख लगी है। अब आनंदी भोजन बनाकर उसकी राह देख रही थी, आनंदी जो है खाना बनाकर उसकी राह मतलब उसका इंतज़ार कर रही थी। अब वह नया व्यंजन बनाने बैठी, अब दो चिड़िया मार के जो लाए थे उसको बनाने के लिए वो बैठी। हांडी में देखा तो घी पाव भर से अधिक ना था, है ना, मीट वीट बनाने के लिए जो है घी बहुत चाहिए होता, बड़े घर की बेटी किफ़ायत क्या जाने। अब पाव भर का घी था, वो सोची इतने घी में कैसे बनेगा, किफ़ायत मतलब जो है ज़रूरत क्या जाने। उसने सब घी मांस में डाल दिया, और मतलब जितना पाव भर घी था सब उसने उसी में डाल दिया। लाल बिहारी खाने बैठा तो दाल में घी नहीं था। अब जब लाल बिहारी खाने लगा तो उसको घी अलग से चाहिए था, तो बोला दाल में घी क्यों नहीं छोड़ा, छोड़ा मतलब डाला।